हे गाइस, वेलकम टू जितिन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं पाइथन बुलियन के बारे में। ओके, तो बुलियन क्या होती है कि एक ही चीज की दो वैल्यू होती है, जिसे हम ट्रू एंड फॉल्स से बताते हैं। आपको बुलियन फॉर्म की जरूरत कब पड़ेगी, तब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके अंदर आपको चाहिए होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन हो तो वो ट्रू या फॉल्स हो, उसके बारे में आप जान सको। इसके लिए आपको बुलियन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी एक्सप्रेशन को एवलेट कर सकते हो ट्रू और फॉल्स जानने के लिए। ओके, तो चलिए हम एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं इसे कि वर्क कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसे मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ डाला है कि प्रिंट के अंदर 10 बड़ा है 9 से, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10 इज़ इक्वल टू 9 एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं 10 छोटा है 9 से। ओके, तो आप मुझे इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। यस, तो आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं तो ट्रू फॉल्स, क्योंकि जो 10 है वो बड़ा है 9 से। ओके, और ये बराबर नहीं है और ये छोटा भी नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप कोई भी एक्सप्रेशन को तब इवोल्यूएट कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको रिटर्न में या तो ट्रू देती है या फॉल्स देती है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी, तो अभी तो ये एक एक्सप्रेशन हो गई कि भाई ये पूछ रहा है कि ये बड़ा है छोटा है इससे या फिर कैसे है। लेकिन इफ मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ हेलो, तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये बुलियन की? तो इसके लिए हम करेंगे कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे बुल एंड इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को वेरिएबल्स को डाल देंगे। ओके, और यदि अब हम इसे रन करेंगे तो ये ट्रू दे रहे हैं। तो बेसिकली तब आप कोई भी स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, ट्यूपल, सेट या डिक्शनरी में से कुछ भी लेते हो तो वो सब में आपको ट्रू ही देता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनके अंदर वो फॉल्स भी देता है, जैसे नंबर्स के अंदर यदि आप जीरो के लिए करते हो, लाइक मैं आपको अभी करके दिखा के प्रिंट के अंदर हम डालते हैं बुल और इसके अंदर डाल देते हैं जीरो। इफ यदि मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स, यहाँ पर यदि आप नन डालते हैं तो भी ये फॉल्स ही देगा, और इफ यदि आप एक खाली वो डाल तो ये इसके होते हैं जहाँ पर ये फॉल्स देता है और ये ट्रू के लिए होते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद आता है टॉपिक फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर भी आप गेट करते हैं कि ट्रू फॉल्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। यदि आपको फंक्शन अभी नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब हम अपनी फंक्शन की वीडियो पर आएंगे तो हम फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न ट्रू। एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये ट्रू और फॉल्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। प्रिंट माई फंक्शन। ओके, और फिर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक पाइथन के पास बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपने कोई भी वेरिएबल लिया है और उसका यदि आपको
टाइप को बुलियन में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस इंस्टेंस की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम वो भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 200 एंड यदि आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर इस इंस्टेंस और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नेम दे दीजिए x और यहाँ पर उसका जो आपको लगता है कि ये इंट है तो वो दे दिया हमने। अब यदि हम इसे रन करते हैं तो एज यू कैन सी ये हमें ट्रू ही दे रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इफ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।